लोगों के दिलों दिमाग पर देश ही नहीं दुनिया भर में फिल्म के गानों की धूम। बस एक बार मेरा कहा, मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। उमराव के मुजरे को देखने के लिए हजारों के हुजूम ने सिनेमा घरों का रुख किया। फिल्म रिलीज हुए 4 दशक गुजर चुके हैं, लेकिन उमराव का जादू आज भी कायम है। ऐसे से लोग मिलते हैं जो जब उमराव जान बनी है तो वो पैदा भी नहीं हुए। उमराव जान मुजफ्फर अली की दूसरी फिल्म थी। इसके पहले वो साल 1978 में फिल्म गमन बनाकर सिनेमा के संसार में अपने फन का लोहा मनवा चुके थे। ये वो दौर था जिन दिनों एक पैरेलल सिनेमा साथ में बढ़ रहा था, और उस दौर में वो वाले फिल्मकार आगे आए जिनको ये लगता था कि सिर्फ फिल्म बना देना कोई मकसद नहीं है। कोई भी एक कमर्शियल फिल्म बना दी और वही जिसको मसाला फिल्म बनाते कहते हैं वो बनाई तो क्या बनाया, क्या इससे अच्छा ना बनाया जाए। उन लोगों में रहे हैं मुजफ्फर। रस के भरे थोड़े नैन, रस के भरे थोड़े नैन सवरिया, रस के भरे थोड़े नैन। लखनऊ के पास लखीमपुर खीरी के कोटवारा के राज परिवार में जन्मे मुजफ्फर अली का अवध से गहरा लगाव रहा है। मुजफ्फर साहब की तालीम और तरबियत दोनों अवध में ही हुई, जिसे अब उत्तर प्रदेश कहा जाता है। उनकी अब तक बनाई हर फिल्म में अवध किसी न किसी किरदार के रूप में जरूर नजर आता है। यूपी में तो बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन मुझे लगा कि यूपी को जिस तरीके से अंदर से महसूस करके सामने लाया जा सकता है और लाना चाहिए, वो हुआ नहीं था। उसी दर्द को मुजफ्फर अली ने अपने फिल्मी करियर की पहली फिल्म गमन के जरिए पर्दे पर उकेरा। पलायन का दर्द है वो पेश करने की कोशिश की, गांव से शहर आना, बंबई में रहना, और उसके बाद किस तरीके से आपका माशरा, आपकी सभ्यता ख़त्म हो जाती है।
जितना तब लगा था। शहरयार के कलम से निकली इस गजल को जयदेव ने अपनी साज से संवारा और अपनी आवाज में मकबूल करने वाले सुरेश वाडेकर ने पहली बार गायकी की दुनिया में कामयाबी का स्वाद चखा। फिल्म के इस गाने को बैकग्राउंड स्कोर की तरह इस्तेमाल किया गया है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? अब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और उनकी शायरी से पैदा होता है जिसके ऊपर पूरी फिल्म बेस्ड है। फिल्म के संजीदा सब्जेक्ट को तो सराहा ही गया, साथ ही उसके गाने भी काफी मकबूल हुए। मुझे गमन फिल्म में गाने का मौका मिला तो मैं इस फील्ड में बहुत ही नई थी, लेकिन मुजफ्फर अली जी ने मेरी बहुत हिम्मत अफजाई की। गाने के रिहर्सल के लिए हर सुबह मुजफ्फर अली जी और सुभाषिनी अली जी मुझे मेरे घर से पिकअप करके जयदू जी के घर ले जाते थे और रिहर्सल के वक्त वो खुद मौजूद रहते थे। छाया गांगुली की आवाज में रचा बसा ये गीत आज भी सुनने वालों के दिलों को तड़पा जाता है। रात भर दर्द की शम्मा जलती रही, रात भर दर्द की शम्मा जलती रही, गम किला थर थरा जब मेरा रिकॉर्डिंग हुआ ना, पता नहीं जो रिकॉर्डिस्ट थे और जयदू जी ने कहा, जो रिकॉर्डिस्ट ने भी कहा कि देखना ये गाना बहुत हिट होगा, और स्मिता पाटिल भी थी जो हीरोइन थी ना, वो आके मुझे एकदम चूमी और बोली कि आपने इतना एक्सप्रेशन दिया कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, मैं खाली लिप भी हिलाऊँ तो काम हो जाएगा। अब जैसे गमन था एक समझिए एक तरीके से आज के दौर का पलायन, उमराव जान एक 100-150 साल से पहले का पलायन था, वो भी एक लड़की की बेबसी है, मतलब वो अपने अपनी मर्जी से उसने घर नहीं छोड़ा, और फिर किस तरीके से एक शहर में आके उसने अपनी ज़िंदगी को हालात से एडजस्ट किया, उसमें उसने एक क्रिएटिव रास्ता। जोड़ जाड़ के बनाई हुई होती है, एक कहानी ऐसी होती है जो जीवन में अपने आप उतरती चली आई है उसमें, और वो कहीं ना कहीं दर्शक के बल्कि पाठक के मन को छू जाती है। उमराव जान की कहानी इसी तरह की है जो कहीं दिल के उन कोनों को छू जाते हैं।
अलग तरीके के फीलिंग्स हैं, उसके लिए मुझे लगा कि रेखा की में वो बात है। कभी कभी कोई फनकार फसानों को भी हकीकत की शक्ल दे देता है। रेखा ने यही काम उमराव जान में किया। उमराव जान के किरदार में रेखा को देखकर कोई चाहकर भी ये नहीं चाहता कि जमाना इसे फसाना कहे। उमराव जान का मतलब रेखा जी, जिन्होंने अपने अंदर उमराव जान को उतार दिया। वो ऐसा लगता है कि उमराव जान यही, जब पैदा हुई होंगी, जब वो ये सारा माजरा हुआ होगा, ये वाकया हुआ होगा, जब वो थी वो यही थी, वो रेखा जी थी। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। हालांकि वो तमिलनाडु की है, लेकिन फिर भी उसने काफ़ी मेहनत करके उर्दू को अपना बनाया, और डबिंग में ख़ास तौर से हम लोगों ने बहुत मेहनत की। एक एक अल्फाज को मतलब घिस के, सजा के, संवार के। के ऊपर बनी फिल्म पाकीज़ा के काने लोगों की जुबान पर जमे हुए थे। ठाड़े रहियो हो बाकी यार रे, ठाड़े रहियो। हमने सोचा कि क्या किया जाए, तो हमने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया। ये हमें हिस्ट्री ने बताया कि क्या क्या थे, क्या राग रागनियां थी, किस तरह का गाया जाता था, वो सारा वो हमें तारीख ने बता दिया। झूला किन डाला रे अमरैया। उमराव जान फिल्म की कामयाबी की वजह अगर उसकी कहानी और फिल्म से जुड़े लोगों की बेमिसाल फनकारी थी, तो फिल्म के बेहतरीन गानों ने उस कामयाबी को और भी बड़ा बना दिया। देखिए, गाने जो हैं वो फिल्म की रूह होती है, और उसमें क्या नाम है, जब तक के एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि स्क्रीन प्ले में एकदम पिरोए हुए हों, लगे कि ये गाना इस वक्त बहुत सही है, कोई और चीज़ यहाँ पर नहीं हो सकती है। कहीं हमको ऐसा नहीं लगता कि कहानी से अलग चले गए हैं, या ये गाने के लिए गाना रखा गया है, ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि ये भी वही कहानी है जो चल रही है, और उसी का ये हिस्सा है। दोनों में, कहानी में और गाने में, कहीं भी फर्क नहीं दिखाई देता।
ऐसा लगता वो आवाज़ यही थी, ये आवाज़ जो आशा जी की है ये यही आवाज़ थी उस वक्त। आशा जी ने भी अपना जो उनका परिचित अंदाज था जिसमें वो ये था कि थोड़े सेक्सी टाइप के गाने वो बहुत अच्छा गाती हैं और उनकी वजह से उनको बहुत नाम मिलता है और ये सब है, उसकी जगह थोड़ा सा चेंज किया और खयाम साहब ने जिस तरह का उनको मौका दिया उसको उन्होंने पूरी तरह से निभाया। जापान में उमराव जान से उर्दू पढ़ाई जाती है, चाइना में उमराव जान के गाने चाइनीज में हैं। मुजफ्फर अली साहब की फिल्मों में शोषण एक अहम किरदार रहता है, वो चाहे उनकी पहली फिल्म गमन हो, उमराव जान हो, आगमन हो या फिर अंजुमन। ये दाग दाग उजाला काफी अरसे बाद मुजफ्फर अली साहब की एक और फिल्म जानिसार जल्द ही आने वाली है। अपनी और फिल्मों की तरह इस फिल्म का ताना बाना भी मुजफ्फर साहब ने लखनऊ के इर्द गिर्द ही बुना है। 1857 के बाद जो हिंदुस्तान में हुआ है वो कोई समझ नहीं सकता है और ना किसी ने समझाने की कोशिश की, क्योंकि उसके बाद इतिहास किसी और ने लिखा है, समझे आप, हमने अपना इतिहास नहीं लिखा है, तो अब वक्त है कि हम अपना इतिहास खुद लिखें। फिल्मों के अलावा सूफी गीत संगीत मुजफ्फर अली के दिल के काफी करीब हैं। दिलों को जोड़ने वाली फकीरों की शायरी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए वो रंगामेज महफिलें आरास्ता करते हैं। जहाँ खुसरो एक दिल की दुनिया है जिसमें हजरत अमीर खुसरो जैसे शायरों का कलाम उन दिलों से गाया जाता है जो हर वक्त अल्लाह की याद में रहते हैं। मशहूर फिल्म मेकर, फैशन डिजाइनर और पेंटिंग, ये तमाम फन कोटवारा के इस राजा के ताज में कोहिनूर की तरह चमकते हैं। पेंटिंग ही से मैंने आंखें खोली, पेंटिंग से ही मैंने मुझ में एक विजुअल सेंस पैदा हुआ और अगर पेंटिंग में ना करता तो शायद उमराव जान भी ना बना पाता। मेरा ख्याल से उन्होंने हमेशा जब उनको जब अच्छा लगा कुछ सोचा कि करने का तो उन्होंने किया और अच्छे लोगों से काम किया, उन्हें हमेशा अच्छे कलाकार, अच्छे संगीतकार, अच्छे शायर के कलाम, तो हमेशा उन्होंने एक स्टैंडर्ड के क्वालिटी का काम किया। पेंटिंग की रंग बिरंगी दुनिया की तरह ही मुजफ्फर अली साहब के फनकारी की पतंग जो सिनेमा के आसमान में नए आयाम ढूंढने निकली थी वो आज भी फिल्म उमराव जान की शोहरत की तरह ही ऊपर है, आसमान में नई ऊंचाइयां छूती हुई, नए कीर्तिमान बनाती हुई और उनके लिए फनकारी के इस आसमान की कोई सीमा नहीं है।